एका संशयास्पद घटनेत नवविवाहितेच्या मृत्यूची घटना समोर आली आहे. मूळ आंध्र प्रदेश मधील अनुषाचा पती महेश राव अनंतू हा आयआरबी मध्ये हवालदार असून बांबूळ येथे तो इंटरस्टेट पोलीस वायरलेस स्टेशन मध्ये कार्यरत आहे. महेशने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी अनुषाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा दावा केलाय. या घटनेनंतर महेशने मृत अवस्थेत स्वतःहून अनुषाला जीएमसी मध्ये आणलं. दिनांक 23 सप्टेंबर 2017 अनुषा आणि महेशचं लग्न झालं. या लग्नासाठी मात्र कुटुंबियांना भारी किंमत मोजावी लागली. माझी कटाई 7 लाख गोल्ड दिया सर, 7 लाख गोल्ड दिए, 1 लाख तो पैसा दिया सर कैश. वो गोल्ड है ऐसा और ज्यादा पैसा मांगता है. तुम नहीं चाहिए मेरे को, तुम अच्छा नहीं है, तुम्हारा वहाँ ऐसा है ऐसा ऐसा डेली लफड़ा चल रहा है बोला सर. लग्नानंतर आपल्या सुखी संसाराची स्वप्न बाळगून अनुषा गोव्यात आली. मात्र यानंतर तिच्या आयुष्यात जे घडलं त्याचा अंत तिच्या मृत्यूने झाला. लग्नानंतर लगेचच अनुषाचा छळ तिच्या सासरच्या मंडळांनी सुरू केल्याचा आरोप तिच्या भावाने केला. आपसे तुम्हारा बहन ने कभी कंप्लेन किया था? किया था. कितना बार किया था? वो ज्यादा बार किया, इसलिए उधर लेके गए सर पहले. हाँ, बाद में गांव में जाके क्या हुआ? गांव में 4 महीने तक ये लोग कोई भी नहीं आए सर इधर से. मेरा बहन 11:30 बजे कॉल किया सर, रात को टाइम में कॉल करके. उसका माँ में ना, मेरे जेजाजी का फादर का दारू पीता है, उसका ऑमलेट नहीं डाला, इसके लिए हम रूम में डाल के मार रहा है, हमको बचाओ ऐसा बोला सर. लास्ट बात, उसके पास मोबाइल नहीं, छुप के देके फोन किया. आपके का पास कुछ है ऐसा? आईफोन कुछ भी नहीं सर, उसके पास पूरा मोबाइल पकड़ लिया वो है. आपली बहीण सुरक्षित राहावी यासाठी भावाने तिला पुन्हा आपल्या घरी नेलं. मात्र गेल्याच महिन्यात गावप्रमुख आणि इतर कुटुंबियांच्या साक्षीनं अनुषाला पुन्हा महेशबरोबर जाण्यास सांगितलं. झालेल्या गोष्टी विसरून नव्यानं संसार पुढे नेण्याचा सल्ला या दोघांना देण्यात आला. वो ज्यादा बार किया, इसलिए उधर लेके गए सर पहले. गाव में 4 महीने तक ये लोग कोई भी नहीं आए सर इधर से. 4 महीने 5 महीने हो गए, फिर आया सर एक महीने का पहले. उस टाइम उधर बड़ा आदमी लोग पूरा गया, बात वो किया, दो पुलिस का उधर का लेके गया सैंपल काउंसलिंग देने के लिए. वो लोग का पास बोला हम लेके जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं रहेगा, हम नहीं मारेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अच्छा देखेगा, ऐसा ऐसा बोला सर. बाद में 1 तारीख को कॉल किया सर मेरा बहन, उसका पास मोबाइल पूरा पकड़ लिया वो. बाद में दूसरा नीचे जाके दूसरा आदमी का पास फोन पकड़ के 1 तारीख कॉल किया सर, मेरे को डेली मार रहा है, तुम लेके जाओ. अनुषा बाबतीत घेण्यात आलेला हा निर्णय अनुषासाठी जीवघेणा ठरला. समजूत काढूनही तिचा छळ थांबला नव्हता. तिने पुन्हा याबाबतची कल्पना आपल्या भावाला दिली. 8 जानेवारीला तिने शेवटचा कॉल आपल्या भावाला केला होता. दो दिन का पहले मेरा बहन 11:30 बजे कॉल किया सर, रात को टाइम में कॉल करके. उसका माँ में ना, मेरे जेजाजी का फादर का दारू पीता है, उसका ऑमलेट नहीं डाला, इसके लिए हम रूम में डाल के मार रहा है, हमको बचाओ ऐसा बोला सर. लास्ट बात, उसके पास मोबाइल नहीं, छुप के देके फोन किया. या संपूर्ण प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबियांनी घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. आपको क्या लगता है आपका बहन कैसा मरा करके? उसने मरा सर, उसका पति वो मर्जी वो उसका मामा जी मिलके सब दिन वो ऐसा मारते रहे सर, अमर गारंटी वो ये मार दिया सर, वो ये मारा सर उसका.